साहब बहुत कड़क है क्या? ले दे के तोड़ पानी में पटेगा नहीं? अरे निपटा देना यार, सुबह VCR पहुंचाता हूं मैं। उनके घर में तो टीवी तक नहीं है। टीवी नहीं है? दूरदर्शन पकड़ता नहीं है क्या? दूर तक नहीं। क्या हो गया ये? पुराने लोग कितने अच्छे थे, ये नए लोगों ने पूरी अंडरस्टैंडिंग खत्म कर दी यार। ये ईमानदारी की तो हद हो गई। तू तो ऐसे है ना? हाँ। आ गया बाप, मारेगा तूने ना? शादीशुदा हो? जी साहब। बीवी अच्छी शक्ल की नहीं है क्या? वो तो मैके गया है साहब। ओ, बीवी मैके गई है और तुम क्यों, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती? वो क्या है साहब, और मुझे बेहूदगी बर्दाश्त नहीं, शर्म नहीं आती तुम्हें गंदगी फैलाते हुए? साहब गंदगी नहीं साहब, बीमारी फैला रहे हैं साहब, बीमारी। साहब मुझे बोलने दीजिए साहब, आपको शायद पता नहीं, आप कभी गए नहीं होंगे साहब, मैं बताता हूँ सर, ये लोग अपनी भोली वाली बीवियों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं साहब। पहले छोटी मोटी बीमारी होती थी, अब एड्स, एड्स पैदा हुआ है। अबे घर में टीवी नहीं है क्या? शबान आदमी चिल्ला चिल्ला के बोलती है एड्स से दूर रहो, एड्स से दूर रहो। पता है ये बीमारी कहां कहां फैली हुई है? अमेरिका में, अफ्रीका में, लेकिन मैं हिंदुस्तान में फैलने नहीं दूंगा, अपने इस पवित्र देश को अपवित्र होने नहीं दूंगा। पता है इसका नतीजा क्या होता है? मैं मना नहीं करता हूं, करिए आप, लेकिन एड्स का इलाज तो आने दीजिए, उसके बाद करिए। एक बात बता दो सर, सर मैं जानता हूं एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे सूख के काटा हो जाता है साहब, आदमी बर्बाद हो जाता है, सर से लेके पांव तक वो सड़ जाता है साहब, सड़ जाता है, कहीं का नहीं रहता है साहब। इस बीमारी से जितना बचो अच्छा है, मत करो अपने आप पर अन्याय, मत करो, मत फैलाओ इस बीमारी को भगवान। कहाँ जा रहे हो तुम? सर वही जा रहा हूं मैं, रोज आधा घंटा एक घंटा यही लेक्चर मैं हर कोठे पर देता हूं। मैं सोशल वर्कर हूं सर, सोशल वर्कर। गजरा पहनकर भाषण देते हो? नहीं 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 नहीं, इसके बगैर तो एंट्री नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ए गेट पास। ज्यादा होशियारी दिखाते हो अवलदार। यस सर। इसके कपड़े उतार के सड़क पे छोड़ दो, बाकी सबको अंदर बंद कर दो। चलो सर, गड़बड़ हो जाएगा सर, अंदर कुछ भी नहीं है, अंडरवियर। चल चलो चलो चलो, धीरे धीरे चलो, कोना पकड़ के खुल ना जाए पोल, पत्ते बिखर के कुत्ते कुत्ते कुत्ते। एक पूरा मोहल्ला उठाएगा हरामजादे, भूल गया साले, म्युनिसिपैलिटी गाड़ी आई थी, मैंने तेरे को बचाया था, और वो हड्डी जो गले में अटकी थी भूल गया, डॉक्टर को बुला के मैंने निकलवाई थी। कुत्ते भोगो, हट हट, देख लूंगा तेरे को साले। अरे बाप रे, ये कहां से आ गई ये औरतें, यहां जानती है कहीं, पहचान ली तो मेरी। चल 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 चल, कोना पकड़ ले, मुंह काला कर ले, मुंह काला कर, कोई नहीं पहचाने का। ये तो इधर ही आ रही है, पहचान लिया तो। अरे कौन नहीं पहचानी, मुंह काला कर लिया ना, कोई नहीं पहचाना, कोई पहचानेगा नहीं मुझे। टोनी इसको क्या हुआ? अरे टोनी तुम ये क्या? सिस्टर आपने मेरे को पहचान लिया, आपकी नजर का जवाब नहीं है, यू आर ग्रेट। अरे पर तुम ये क्या हुलिया बनाया? ये जॉगिंग, जॉगिंग। जॉगिंग पर ऐसा गया था तुम? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया, कपड़े पहन के गया था, लेकिन रास्ते में वो मिल गया ना, वो कौन है? तर्जन, तर्जन, तर्जन मिल गया तो? वो मेरे से कपड़े लेके गया और ये पत्ते का लफड़ा देके चला गया। अरे पर मैं उसमें तुम मुंह काई को काला किया हा? अरे सच्ची बात बताते हुए शर्म आती है क्या? लल्ला पिछले महीने मैं भी वही पकड़ा गया था, उसी एसीपी ने मेरी भी हालत कर दी थी, जाके नहा धो ले। मैंने क्या बोलता है, अपना समझ में कुछ नहीं आया। मेरे को भी समझ में नहीं आया, लगता काजू का फेनी मारा है, बुड्ढा पागल हो गया है। हमको भी लगता है। आउच, कुछ करो मैं। बकरी, अरे चाई रे चाई, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ राय के तेल जैसा,
चाई रे चाई, ओ चाई चाई रे चाई। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरजी, मैं अजय का दोस्त टॉनी। अजय कहाँ है? वो उड़न छू गया, अभी आपके हाथ आने वाला नहीं है, वो गया। क्या मतलब? वो तो मौके की तलाश में था। 1 2 का 4। ए, सीधा सीधा बोल, कहाँ है अजय? हम बताता है ना साहब, जैसे तुम उनका बाप बनकर उनका शादी बनाया, उनको ब्लेसिंग दिया, वैसे हम उनका माँ बनकर उनको हनीमून पे भेज दिया। So what? Hey, no way, man, no way, yeah. बिल एक मानता नहीं, बिल तो पागल है, बिल तो दीवाना है, खाए पिए कुछ नहीं, हम बिल दे चुके हैं सनम, yeah. नशे में है? नशे में नहीं, होश में है मैन। नशा देखते हैं तो क्लब 2000 जाओ, नशा वहाँ से कहाँ कहाँ सप्लाई होता है सब मालूम पड़ जाएगा। जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ, यू कैन डू इट मैन। देखा है क्लब 2000, मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। व्हाट प्रॉब्लम? एवरीवेयर देयर इज प्रॉब्लम। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक प्रॉब्लम, कांस्टेबल से लेके कमिश्नर तक प्रॉब्लम, एवरीवेयर प्रॉब्लम। कंजर्वेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रीब्यूशन, कंपटीशन, कंपटीशन, एंड आई हैव गॉट कॉन्स्टिपेशन। वेरी गुड प्रॉब्लम। पर तुम कौन से थाने से हो? थाना? आई एम फ्रॉम इंटरपोल, ऑल पोल खोल। यू नो द प्रॉब्लम, आई नो द प्रॉब्लम। शी इज लविंग यू, यू आर नॉट लविंग हर, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। देयर आर एवरीवेयर शॉपिंग सेंटर्स बट नो लव सेंटर। We need love center. What do you think? Love is also valto chit. Love is very important thing. Am I right? Come on, say everybody with me. Kaho na pyar hai, kaho na. Bas kar apna drama, nahi to marunga tere ko. Mujhe maar kar kya milega? Osaka Shipping Corporation ke godown mein itna asla aur barut pada hua hai. Zara se bhi der ho jaye, to desh ke hazaron masoom jaan se jayenge. Osaka Shipping Corporation. Meter down karo, taxi phir milega. किसी ना किसी मोड़ पर। सरजी, सरजी, वाह, बाप बेटी दोनों यही है। बड़ी जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। आपने कहा था ना बहना के लिए अच्छा सा रिश्ता लेकर आओ, तो मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे वाह, फिर वही रिश्ता। अरे तू क्या आते जाते मेरे पैर पे बाबा के तोड़ती, तेरे को कोई और मिलता नहीं क्या? ये तो मेरा है। आपके पास कहाँ से आया? पता नहीं, हाथ लगाया तो शायद हाथ में आ गया होगा। दीजिए, ये लो, जाओ। सर, बड़ा अच्छा रिश्ता लाया हूँ। वो बहुत बड़े लोग हैं। कमल राय कंपनी है ट्रांसपोर्ट की। हिंदुस्तान में उनके 50 ऑफिस है, 400 ट्रक है, 1200 करोड़ के मालिक है। बहुत नाम वाले लोग हैं। ईमानदार है? ईमानदार वो तो मैंने पूछा नहीं, वो आप आए तो पूछ लेना। मगर मुझे लगता नहीं कि ये रिश्ता हो सकेगा। क्यों? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो लड़के के बाप हैं, आप लड़की के बाप हैं, और लड़के का बाप लड़की के बाप से जहेज तो मांगेगा, और जैसे ही बाप से जहेज मांगेगा आप उसको इतना लंबा भाषण पिला देंगे और धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। कुछ होने वाला नहीं। मैं भी हवा की जमीन पर धुएं की दीवार से किला बनाता रहता हूँ, फिर भी ले आऊं तो बुला के ले आऊं। अच्छा रहेगा, बात हो जाएगा, फ्लॉप तो होने वाली है। मैं भी उल्लू का पट्टा खामा खा की टेबल टेनिस खेलता रहता हूँ। सेठ जी, सेठ जी, आइए आइए। नमस्ते जी। नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं तो पिए हूँ, उधर हो। आप कहाँ थे इतनी देर से? आइए। सर, ये लीजिए। नमस्कार। ये लड़के के बाप है, ये लड़के की माँ है, ये लड़के का मैनेजर है, और ये उसके पिता है। नहीं नहीं अंकल, आपने सब गड़बड़ कर दी, उल्टा पुल्टा हो गया। कैसे? लड़का मैं हूँ। अच्छा, ये मेरे पिताजी हैं जी, ये मेरी माताजी हैं, नमस्ते, और ये हमारे मैनेजर साहब हैं। पर तुमने तो कहा था तुम लड़के की माँ हो। मैंने? अच्छा, आप लोग बैठिए ना। हाँ, मैं भी वहाँ बैठ जाता हूँ, सब फ्लॉप तो होने वाला है, आपने क्या करने का? अच्छा, क्या काम करते हो? जी मैं ग्रेजुएट हूँ, और डैडी के सारे बिजनेस मैं ही संभालता हूँ। अच्छा, हम दोनों पति पत्नी 6 महीने तो तीरथ पर रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप लोग दहेज में क्या लेंगे? हमें बहू के अलावा दहेज में कुछ नहीं चाहिए जी। हमारे लिए सौभाग्य की बात यही होगी कि हमारा रिश्ता आपके यहाँ तय हो जाए। कन्हैयालाल, ओ कन्हैयालाल, क्या हुआ? फ्लॉप हो गया ना? अरे फ्लॉप नहीं हुआ, मामला तय हो गया। मिठाई तो खिलाओ सबको।
शादी पक्की होगी। अरे मुबारक हो, लो सर को मिठाई खिलाओ। जल्दी खोलो यार, ये लीजिए। ये तो खाली है। तो तुम क्या खाली डब्बा लेकर आए थे शादी करने के लिए? नहीं नहीं अंकल, वहां से तो भरा हुआ लिए थे हम लोगों ने। भरा हुआ था मतलब तो क्या मैंने खा लिया? नहीं नहीं मेरा। अरे वाह, देखो सर ये ईमानदारी का जमाना है। मैं आपके बेटे का यहाँ रिश्ता पक्का करने आया तो बोलता है मैं मिठाई खा गया, कल बोलेगा मैं जहेज खा गया, फिर बोले मैं सुबह सेट खा गया। वाह वाह वाह, शराफत की दुनिया ही नहीं है। कुछ मीठा मीठा तो लग रहा है यार, मैंने खाया था क्या? खामखा बेचारे को डांट दिया, ऐसा नींद में क्यों जाता मालूम नहीं। नारायण नारायण नारायण, भाई बहन के बीच में महाभारत या हैरत? अरे मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। छोड़ दो? तुम जानती हो उसने कॉलेज में क्या बदमाशी की? इस उम्र में बदमाशी नहीं करेगी तो क्या संन्यास ले लेगी? तुम इसे बिगाड़ दोगी आया माँ। टिकट न दे इसे, आप अगर तुमने उसे छुआ भी ना तो बहुत मार खाएगा। आपने कभी मारा है इसको? हाँ बचपन में बहुत मारा है। मैं एक बात बोलूं, आप बहुत झूठ बोलती हैं। नहीं है ऐसा नहीं, मतलब आपने न कभी इसको डांटा है न कभी मारा है, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। सचमुच ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानती थी आखिर में आप भैया का ही साथ देने वाली हैं। नारायण नारायण, ये तो बहुत गर्म है। मगर ये बताइए मंत्री जी कहाँ हैं? वो बाजार गए हैं। बाजार गए? पिए यहाँ खड़ा वो बाजार गए? मैं भी आता हूँ। अरे सुनो, क्या ये ग्लास ले दो, पहले बहुत से ग्लास चोरी हो चुके हैं। तो सब मैंने थोड़ी चुरा है। अरे सर जी सर जी, अरे नारायण नारायण, वो मैं भूल गया, देखो ये क्या है? साइकिल है। अरे आप होम मिनिस्टर होके साइकिल पे? सर आपको तो हेलीकॉप्टर में होना चाहिए था। सब्जी खरीदने के लिए साइकिल अच्छी है सर। सब्जी खरीदने के लिए आप जा रहे हैं? नारायण नारायण, नहीं नहीं सर नहीं। मुझे तो सब्जी काटने में और बनाने में भी बड़ा मजा आता है। आप मंत्री होकर अगर सब्जी काट सकते हैं तो फिर आपका पीए होने के नाते मुझे तो घास छीलनी पड़ेगी फिर। मैं तो अपने गार्डन में घास छीलता हूँ। आप अगर मंत्री होकर घास छीलते तो आपका पीए होने के नाते मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या सर, आपका पीए बनने में कितना खुश हुआ था। मैं समझा था कि मैं कैश कमाऊंगा, ऐश में रहूंगा। आपका पीए तो बन गया मगर लगता है बिना खाए पिए ही मर जाऊंगा सर। थोड़ा कमाना था ना सर। ईमानदारी से जीना सीखो, उससे अगर कुछ बनता नहीं तो बिगड़ता तो नहीं ना। अरे क्या भगवान, मैंने तुझसे कहा था माशू का गद्दार मत देना, मालिक ईमानदार मत देना, तूने दोनों गड़बड़ कर दिया ना। ये क्या मालिक है, एक पैसा कमाने नहीं देता, देख जेब खाली है। मेरी कहानी फिर से लिखना, मैं आगे मिलता हूँ। अरे मालिक सर, मैं ये नहीं कह रहा था कि आजकल के जमाने में इतनी ईमानदारी अच्छी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बेईमानी करना चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा करते थे कि ईमानदारी वो गंजा सर है जिस पर नोटों के बाल कभी उगी नहीं सकते। थोड़ी सी बेईमानी की तेल की मालिश करते रहना चाहिए तो वे करेंगे ना सर, नहीं तो पैसा नहीं मिलना मजा नहीं आएगी। देखो गलत कमाई करने से कभी कभी सर पे इतने जूते पड़ते हैं कि आदमी सचमुच गंजा हो जाता है। क्या बात करते हैं? अरे सर, एक एक थोड़ी, पहले छह आना चाहिए। एक गया। अरे सुनो, कोई बकरा आ रहा है, जा तू। मेरी घड़ी कहाँ गई? मुझे क्या मालूम, आपने ही चुराई होगी। क्या मतलब, मेरे जेब में किसी घड़ी निकलती है क्या? दे ये कहाँ से आई? घड़ी दीजिए मेरी। मगर नहीं, हाँ लेना यार, घड़ी दीजिए ना। लेना जा। नमस्ते जी। नमस्ते, क्या है? मिनिस्टर साहब घर में हैं। तुमने मिनिस्टर साहब को कभी देखा है? जी नहीं। फिर कैसे पूछ लिया कि मिनिस्टर साहब घर पे हैं? हो सकता है कि मैं ही मिनिस्टर हूँ फिर। खड़े रहो खड़े रहो, मेरा मतलब है कि उनमें और मुझमें कुछ ज्यादा फासला नहीं है। वो मुझमें है और मैं उनमें हूँ, उनमें और मुझमें इतना ही फर्क है जितना मुझमें और मुझमें है, तुझमें और तुझमें है। जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं खुद नहीं समझा तो तुमको क्या समझाऊं? बोलो क्या काम है सर। मेरी एक लड़की है। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं शादी की नहीं, मैं उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाना चाहता था। मेडिकल कॉलेज में? जी। आपको मालूम है मेडिकल कॉलेज की सीट कितनी महंगी है? एक लड़का 105% लेके पास हुआ था। 105? 100 लिखाई के, 5 सफाई के।
सफाई के। अरे कुछ लिखा ही नहीं था तो सफाई नहीं हुई यार। तो उसने 5 लाख रुपया भरा तब जाकर उसको सीट मिली। तुम्हारे पास 5 लाख रुपया? अभी सीट दिलाता हूँ। सर 5 लाख रुपया तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। सपने में भी नहीं देखे? भिखारी लगता है। चलो मेरे दिल में रहम है, मैं तुम पर रहम खाता हूँ। 1 लाख रुपया तो सीट दिला देता हूँ। सर मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना, वहाँ के तमाम मकान बेच दिए जाएं, उन मकान में रहने वालों के सारे कपड़े लत्ते बर्तन सारे बेच दिए जाएं, उन लोगों को भी बेच दिया जाए तो भी 1 लाख रुपया इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अनाथ आश्रम में रहता है क्या बे? अबे 50,000 दे सकता है कि नहीं? सर 40 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते, अब तक मेरे प्रोविडेंट फंड में 50,000 नहीं जमा हो पाए। साला अबे 5,000 देगा? मेरी औकात नहीं है। 500 रुपया देगा? तनख्वाह नहीं है मेरी। अबे तो तेरी औकात कितनी है? 5 रुपए की। होम मिनिस्टर का पीए और 5 रुपए रिश्वत? थू 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 हट। इसे तो ईमानदारी अच्छी है। अबे हम लोग वो लोग नहीं है जो 5 रुपए और 5 लाख रुपए के लिए ईमान बेच देते हैं। हम देश प्रेमी है, देशद्रोही नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मगर मेरा एडमिशन। मैं निकल तेरी। मेरी बच्ची का जेल करा दूंगा तुमको। हमारा ईमान खरीदते हो? हम जैसे सच्चे लोग जिन्होंने कभी आज तक रिश्वत नहीं ली। निकलो हवलदार, पुलिस वाले गिरफ्तार कर लो। बताओ 5 रुपए रिश्वत देता यार? तो दो ना। अच्छा थोड़ा भूल तो दो। अरे क्या कंजूस लोग यार, मेरी चमचागिरी तो रहेगी। मैं उपमंत्री जी के हार कहाँ से लेके जाऊँ? अरे मेरा हार कहाँ गया? आपके पास मेरा हार कैसे आया? उड़ के। मेरे पास पैसे नहीं थे ना तो। अब मैं क्या मंत्री जी को पहनाऊंगी? अरे तुम्हारे पास इतनी अच्छी बाएं हैं, बाहों का हार पहनाओगे तो मंत्री जी खुश हो जाएंगे। मैं इस राव हार पहना क्या जाता हूँ? अरे 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 श्री आदर्शवर्धन, श्री आदर्शवर्धन, श्री आदर्शवर्धन, श्री आदर्शवर्धन। आप जिस आदमी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं ये तो नहायत ही बदतमीज आदमी है। मोहतरमा आज के जमाने में जो बदतमीज बदमाश होता है वही दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करता है। क्यों सर? तुम तो शास्त्री जी के प्यादे हो। हूँ नहीं था। वो भूकंप आने से पहले जानवर कैसे गांव छोड़ के भाग जाते हैं, उसी तरह शास्त्री जी के इलेक्शन आने से पहले ही उनकी नौकरी छोड़ के भाग गया। अभी आपकी शरण में आ गया हूँ। सर इसकी कोई मदद मत कीजिएगा, ये बिल्कुल गद्दार आदमी है। सर जो ईमानदारों से गद्दारी करेगा वो गद्दारों से ईमानदारी करेगा, ये बहुत बड़े झूठे ने कहा है। आदमी दिलचस्प भी हो और चालाक भी। आज से तुम हमारे प्यादे हो। स्वामी जी आपके आशीर्वाद से मैं इलेक्शन जीत गया, मैं मंत्री बन गया। आपने मुझसे कहा था कि यज्ञ में कुछ भस्म करो, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी वर्दी भस्म कर दी। फिर आपने मुझसे कहा था कि बेटा तुम्हारे पास जो भी अस्त्र शस्त्र हो उसका इस्तेमाल करो, इसलिए मैंने बाबूजान और रोजी के गुंडों का इस्तेमाल किया और इलेक्शन जीत लिया। और ये मंत्री जी की तरफ से आपके हुजूर में 38 लाख का नजर आना। लेकिन मैंने तो 40 दिए थे। 2 लाख का बैग भी लिया ना? 2 लाख आ गया ये क्या? नहीं बैग लिया 2 लाख। अरे सिद्धांत आ गए। बहू कैसी है? वो अच्छी है। आप सुनाइए इलेक्शन में ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया ये सब? जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है सिद्धांत। इस इलाके के इलेक्शन में खड़े होने के लिए या तो आदमी को गुंडा बनना पड़ेगा या तो सिर्फ गुंडे ही इलेक्शन में खड़े हो सकेंगे। नारायण नारायण नारायण, आपने बिल्कुल सच कहा। इन्होंने भी इलेक्शन जीतने के लिए गुंडागर्दी की, बम मारे, बूथ कैप्चरिंग की, पता नहीं क्या क्या कर डाले। आप ये मत समझना कि मैं आपके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आया हूं। आप मेरे पुराने मालिक हैं और आप ही की कुर्सी मुझे मिली है। मैं तो यहां पर सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आशीर्वाद दीजिए मुझे।
नहीं देना। कोई बात नहीं, वो क्या कि मैं जरा जल्दी में हूं, मीटिंग का वक्त हो गया है। आइए आप चलिए, मैं दो मिनट में आता हूँ। क्या मेरे पुराने मालिक है ना, मैं भी जरा आशीर्वाद लेकर आता हूँ। जल्दी आ जाना, बस अभी आया। मालिक मुझे एक आशीर्वाद दीजिए, ये जो मेरा नया मालिक है ना, ये जितना कमीना है, जितना 420 है, जितना बेईमान है, जितना खबीस है, उससे ज्यादा हो जाए, ताकि इसके घर में दौलत की गंगा बह कर आए, उस गंगा में थोड़ा सा नहा लूं। मुझे अभी तो कुछ मिला नहीं है, एक मरे आदमी की टोपी मिली है खाली। ये आशीर्वाद तो आपको देना पड़ेगा, आशीर्वाद दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए ना।